हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज हिमांशु मिश्रा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास इलेवेंथ में पढ़ रहे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को नीट जेई सबकी तैयारी करनी है, तो उसी से रिलेटेड एक चैप्टर हमने आपके लिए तैयार किया था, स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था थर्मोडायनेमिक्स और इस थर्मोडायनेमिक के 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। बहुत दिनों का ज्यादा गैप भी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। तो फटाफट से लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को दबाइए और हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स को। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोग को एंट्रोपी। ये एंट्रोपी क्या होती है, जिसको हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी को हम लोग हमेशा डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंट्रोपी होती है, ये होती क्या है। तो एंट्रोपी क्या होती है, देखो तो जरा एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी होती है हम लोग की द रेंडमनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। देखिए जरा, किसी भी सिस्टम में जो मैटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अगर रेंडमनेस आ रही है या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी से हम लोग क्या मेजर करते हैं, किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस को या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मेजर करते हैं। तो द रेंडमनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है हम लोगों की, तो हम लोग देख रहे हैं कि सिस्टम के अंदर ये जो हम लोग का कोई भी सिस्टम है, अगर हम लोग का ये सिस्टम है, अगर ये हम लोग का सिस्टम है, तो इस सिस्टम में मैटर्स हो गए ना, इस सिस्टम के अंदर मैटर होगा। तो मान लो कि मैटर होगा और मैटर किस चीज से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो सिस्टम के अंदर मैटर है और मैटर किस चीज से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो ये जो हम लोग के मॉलिक्यूल्स हैं इस मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर रेंडमनेस कितना है या फिर डिसऑर्डर कितना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा एस से। तो किसी सिस्टम के अंदर ये हम लोग का सिस्टम है तो सिस्टम किस चीजों से मिलकर बना होगा, तो सिस्टम मैटर से मिलकर बना होगा। और मैटर किस चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो मैटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें अगर रेंडमनेस पाई जाती है, डिसऑर्डर पाया जाता है, तो उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। सो द रेंडमनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। तो मान लो अगर हमसे कोई क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैस। क्या है कोई की इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉलिड लिक्विड और गैस में, एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर किसमें ज्यादा, एंट्रोपी किसमें ज्यादा होगी,
सॉलिड में होगी कि लिक्विड में होगी कि गैस में होगी। अगर हमसे पूछा जाता है एंट्रोपी, हम लोगों ने जान लिया क्या है, मॉलिक्यूल की रेंडमनेस, उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एंट्रोपी किसमें सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड्स में होगी कि लिक्विड्स में होगी कि गैस में होगी, तो देखो जरा जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट कैसे होता है, एकदम वेल मैनर्ड वो अरेंज होते हैं, वेल मैनर्ड अरेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कैसा पाया जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, एक लॉन्ग रेंज का ऑर्डर पाया जाता है। सॉलिड के अंदर क्या पाया जाता है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। सॉलिड्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। सॉलिड्स के अंदर क्या पाया जाता है, तो सॉलिड्स के अंदर जो हम लोग देखें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। जो भी सॉलिड्स है उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। ये जो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, सॉलिड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास पास होते हैं, एकदम पास पास, इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर लिक्विड्स की बात करें, अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा दूर दूर होते हैं किसमें, लिक्विड्स के पार्टिकल्स, ये लिक्विड्स का ऑर्डर है। इसमें जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, इसमें जो पाया जाता है वो शॉर्ट रेंज का ऑर्डर पाया जाता है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं करता, तो इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता, एकदम डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। ये गैस के मॉलिक्यूल है तो गैस में डिसऑर्डर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसके अंदर सिर्फ डिसऑर्डर पाया जाता है, डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। ये जो होते हैं ये वेल ऑर्डर्ड होते हैं, ये ऑर्डर में होते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं, जो हम लोग के सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्डर मैनर में होते हैं, ऑर्डर होते हैं। लेकिन ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो हम लोग के लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये जो हम लोग का लिक्विड है, लिक्विड में मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्डर उतना ज्यादा नहीं पाया जाएगा, थोड़ा सा और ऑर्डर में होंगे लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, ऑर्डर उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो देखो जरा, सबसे ज्यादा अगर वेल मैनर्ड अगर ऑर्डर किसी में पाया जाता है तो वो सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में उससे कम शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, और गैसेज में तो कोई ऑर्डर ही नहीं, एकदम डिसऑर्डर है। तो अगर सॉलिड लिक्विड और गैस में अगर एंट्रोपी को ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे कम जो एंट्रोपी होती है वो सॉलिड की होती है, उससे ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड की होती है, और सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी पर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसके अंदर क्या पाया, डिसऑर्डरनेस ज्यादा पाया जाता है। तो ये जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। अगर ये पॉजिटिव वाला है तो यहाँ निगेटिव वाला पार्टिकल होगा, फिर यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव वाला पार्टिकल होगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वाला, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव, यानी केटायन एनायन का क्रम चलता रह जाएगा, एकदम वेल मैनर्ड अरेंज रहेंगे। लेकिन इसमें अगर बात करें तो शॉर्ट रेंज, मान लो यहाँ पे अगर लिक्विड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, यहाँ मान लो पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव ही आए, यहाँ पे भी हो सकता है कि निगेटिव आ जाए, दो तक तो व्यवस्था बनी लेकिन दो के बाद जो है ऑर्डर में चेंजिंग आ सकता है। ये अगर निगेटिव है तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव के बाद फिर हम अगर सोचें कि यहाँ निगेटिव ही आए तो कोई जरूरी नहीं, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये व्यवस्था अगर बनेगी भी तो सिर्फ थोड़े समय के लिए बनेगी। तो ये जो सॉलिड्स है इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वे एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड्स में देखो डिस्टेंस बढ़ जाता है, ज्यादा रहता है इनके बीच में, डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एंट्रोपी का, वो एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि गैसेस में डिसऑर्डरनेस ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। हमने यहां से क्या देखा कि सबसे कम जो एंट्रोपी है वो है सॉलिड की, उससे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, लिक्विड की, और सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, गैस की।
क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उसमें रेंडमनेस डिसऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पाया जाता है, और द रेंडमनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। फटाफट से जितनी चीजें पढ़े हम लोगों ने, इतने का आप लोग तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीजों को और डिटेल के साथ पढ़ सके। चलिए जरा हम लोग एंट्रोपी के बारे में कुछ और चीजों को देखते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ द मोल नंबर इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में अगर मोल नंबर बढ़ता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। तो एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ द मोल नंबर इन एनी केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और उसमें मोल नंबर अगर बढ़ता हुआ मिले तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। जैसे मान लो कि अगर हो CaCO3, हमने क्या लिया, CaCO3 लिया है सॉलिड, हमने CaCO3 लिया है और CaCO3 टूटता है तो किसमें टूटता है, CaO सॉलिड में और साथ ही साथ CO2 गैस में। बैलेंस कर लीजिएगा अगर बैलेंस नहीं हुआ तो, जितना आप कर सकते हैं। देखिए जरा एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ मोल नंबर, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ मोल नंबर इन एनी केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल नंबर बढ़ रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। जरा देखो इसमें हमने कितना लिया, रिएक्टेंट कितना लिया, तो रिएक्टेंट में हमने लिया है वन मोल हमने रिएक्टेंट लिया है। प्रोडक्ट कितना बना जी, एक मोल ये बना है, वन मोल ये भी बन गया है और वन मोल ये भी बन गया है, ये भी हम लोग का वन मोल बन गया है। तो देखो जरा रिएक्टेंट जो है एक मोल है और प्रोडक्ट हमको कितने, दो मोल मिल रहे हैं। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल नंबर बढ़ेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मोल नंबर अगर हम लोग के बढ़ेंगे तो मोल नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगी, बढ़ता चला जाएगा हम लोग की एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ मोल नंबर इन एनी केमिकल रिएक्शन। जैसे CaCO3 लिया है, एक मोल हमने लिया है और ये देखो इसमें मोल नंबर बढ़ गया, एक से दो मोल्स हमको प्रोड्यूस हो गए, तो इस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इस रिएक्शन में क्या होगी, एंट्रोपी जो है वो इसकी बढ़ती चली जाएगी। अगला पॉइंट देखो जरा, एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ मोल नंबर। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ मोल नंबर। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा और उसमें अगर मोल नंबर घट रहा है तो उसकी एंट्रोपी भी घटेगी। कैसे, जरा देखो, एक मान लो हम लोग एक रिएक्शन ले, जैसे है NH3 प्लस, इसका रिएक्शन करा है HCl के साथ, ये भी गैस है, ये भी हम लोग NH3 और HCl, तो NH3 और HCl को हमने रिएक्शन कराया, हम लोग यहां से क्या पा गए, NH4Cl। देखो जरा इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा रिएक्शन दे और पूछे इस रिएक्शन में बताइए एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है, तो एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ मोल नंबर। इसमें देखो रिएक्टेंट हमने कितना लिया, एक मोल ये भी है, ये भी वन मोल है, ये वाला भी हम लोग का वन मोल है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना, एक मोल मिल रहा है, सिर्फ वन मोल मिल रहा है। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ मोल नंबर, अगर मोल नंबर घट रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसकी एंट्रोपी घटती चली जाएगी। तो इसमें एंट्रोपी कम होगी, इसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो हमको एंट्रोपी के बारे में और भी चीजें जाननी थी, तो एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ मोल नंबर और एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ मोल नंबर, एग्जांपल भी हमने आपको
नोट करा लिए, फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग और चीजों को पढ़ सके, और फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जरा एंट्रोपी के बारे में और चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी जूल केल्विन इनवर्स। एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी जूल केल्विन इनवर्स। डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एस हम लोग का है, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस जो है हम लोग का वो है चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी के अंदर चेंज है, क्यों क्या है हम लोग को, हीट ऑफ अ रिएक्शन क्या है हम लोग का, एंट्रोपी जो है वो हम लोग का है हीट ऑफ रिएक्शन। क्यू क्या है हम लोग का, तो जो क्यू है वो है हम लोग का हीट ऑफ रिएक्शन। ये जो डेल्टा टी है हम लोग का, जो ये डेल्टा टी है हम लोग का, ये क्या है, तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी जो है हम लोग का वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टू डेल्टा टी जूल केल्विन इनवर्स। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, क्यू क्या है हीट ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। ये हीट इन चेंज इन टेम्परेचर है। देखो जरा और हम लोग क्या इस एंट्रोपी के बारे में जान सकते हैं, तो एंट्रोपी इज इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितनी भी ऐसी प्रोसेस हैं जो अपने आप होती हैं, जितनी भी ऐसी दुनिया में जो भी प्रोसेस है जो अपने आप हो रही है, तो उसमें एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एंट्रोपी इज इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी इज इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। और देखो जरा, एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली। तो हम लोगों ने देखा कि एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी जूल केल्विन इनवर्स। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, क्यू क्या है हीट ऑफ रिएक्शन, और टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जितने भी ऐसे प्रोसेस जो अपने आप होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती जा रही, क्योंकि डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ता जाता है। यूनिवर्स के अंदर डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, और जब डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसकी एंट्रोपी भी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली। फटाफट से इतने का तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और बातें एंट्रोपी का हम लोग जान लें। चलिए जरा हम लोग और ज़्यादा जानते हैं इस एंट्रोपी के बारे में। तो जो ये एंट्रोपी हम लोग की होती है, एंट्रोपी is an extensive property, its values depends on the quantity of matter,
तो वो सारी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एंट्रोपी भी क्या हम लोग की है, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। एंट्रोपी क्या हम लोग की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये मैटर की किस पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाली ये होगी, ये मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। अगला प्रॉपर्टी देखें तो एंट्रोपी, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द रूट। क्या कह रहा है कि एंट्रोपी जो होती है वो हम लोग की स्टेट फंक्शन होती है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन पे, इनिशियल और फाइनल कंडीशन या स्टेट पे, रूट पे ये डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो कोई सिस्टम है, ए है सिस्टम, और ए सिस्टम बी सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, ये पहला रास्ता है, ये फर्स्ट वे है, ये फर्स्ट वे है ए से बी की तरफ जाने का। ये अगर हम दूसरा रास्ता ले लें, ये सेकेंड वे ले लें ए को बी में कन्वर्ट करने का, और ये तीसरा रास्ता ले लें, ये थर्ड वे ले लें, थर्ड वे ले लें ए को सिस्टम को बी में कन्वर्ट करने का, तो ये जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी सबके लिए क्या होगी, एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा एस जो होगा हर एक वे के लिए, डेल्टा एस कांस्टेंट, कांस्टेंट डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस जो होगा वो हम लोग का कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा फॉर एनी वे, फॉर एनी वे, हर एक वे के लिए डेल्टा एस कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से हो कि गुजर रहे हैं, एक सिस्टम बी में कैसे कन्वर्ट होगा, ये सिर्फ इसके फाइनल स्टेट पे और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ये इसके वे पे डिपेंड नहीं करेगा, रूट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। एंड दूसरा देखो, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, रूट पे डिपेंड ना करे। तो हम लोगों ने एंट्रोपी के बारे में बहुत ढेर सारी चीज़ों को जान लिया है। एंट्रोपी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया जी, तो एंट्रोपी के बारे में पहला पॉइंट तो हमने यही जाना कि सिस्टम की रैंडमनेस, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस, या फिर डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोल देते थे। और अगर सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड और गैस में पूछे तो सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में जो है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उसमें अव्यवस्था ज़्यादा रहती है। फिर और भी सारी चीज़ों को पढ़ा गया है, फटाफट से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें इस थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में। चलिए ज़रा अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के लिए। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चार लॉ होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है वो हम लोग का होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स, जो दूसरा होता है वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। जो तीसरा होता है वो होता है सेकेंड लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और जो फोर्थ होता है वो होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो ये थर्मोडायनेमिक्स है हम लोग का, वो थर्मोडायनेमिक्स के चार लॉ होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉ होते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स के चार लॉ होते हैं। देयर आर फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन कौन से? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉज जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज होते हैं, लॉ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डील कर लेते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को एक साथ हम पढ़ा देंगे आपको। आज हम लोग चलिए जरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने जा रहे हैं। तो फटाफट से जितना हमने पढ़ाया अभी तक इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग चले स्टार्ट करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। चलिए जरा हम लोग देखते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में, इसी वीडियो लेक्चर में अपने अगले प्रॉपर्टी को, जो है हम लोग का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कहता है कि इफ फर्स्ट सबस्टेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद सेकेंड सबस्टेंस, कह रहा है कि अगर पहला सबस्टेंस कोई है और वो किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इफ फर्स्ट सबस्टेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद सेकेंड सबस्टेंस एंड द सेकेंड सबस्टेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सबस्टेंस, कह रहा है कि ये जो सेकेंड सबस्टेंस है वो एक थर्ड सबस्टेंस के साथ भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्या? कि इफ फर्स्ट सबस्टेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद सेकेंड सबस्टेंस, पहला सबस्टेंस है वो दूसरे सबस्टेंस के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, एंड द सेकेंड सबस्टेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सबस्टेंस, और जो सेकेंड सबस्टेंस है, ये जो सेकेंड सबस्टेंस है वो थर्ड सबस्टेंस के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, तो देन ऑन ब्रिंगिंग द थर्ड सबस्टेंस इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट सबस्टेंस, कह रहा है कि अगर थर्ड सबस्टेंस को पहले सबस्टेंस के कॉन्टेक्ट में ला दिया जाए, तो देन इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो एस्टेब्लिश विद देम, तो इनके बीच भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या कहा? कह रहा है कि अगर एक पहला सबस्टेंस है और वो दूसरे सबस्टेंस, पहला सबस्टेंस है और वो दूसरे सबस्टेंस के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, दूसरा सबस्टेंस तीसरे सबस्टेंस के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, तो अगर तीसरे सबस्टेंस को पहले सबस्टेंस के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो इनके बीच भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बताया गया आपको? बताया गया कि अगर पहला सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, दूसरा सबस्टेंस तीसरे सबस्टेंस के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, तो अगर तीसरे सबस्टेंस को पहले सबस्टेंस के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो इनके बीच भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो यही है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो जरा, हम इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या बोलते हैं?
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, इसको हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो यही है हमारा जीरोथ लॉ। अब इसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में। और जितने भी लोग अभी इस वीडियो लेक्चर्स को नहीं अभी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो अगले जो तीन वीडियो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं उसको एक बार पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजी को जानते चलेंगे, और जब टर्मिनोलॉजी को जानेंगे तो फिर ये हम लोग के लिए आगे पढ़ना और आसान होता चला जाएगा। तो अभी तक जितना पढ़े फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा। तो गाइज आज हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में एंट्रोपी को डील किया है, और साथ ही साथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में जाना है। फटाफट से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन दिया गया, लाइक के बटन को दबाइए, और जितने नए व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। साथ ही साथ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा और आपको ढेर सारी चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।